हेलो, ईद मुबारक। शोभियो मेहंदी। वाह माशाल्लाह, जबरदस्त भाई। आपका कुत्ता घास खा रहा है। अरे है ये कुत्ता, डाइट इसने बकरों वाली रखी हुई। ईद मिले, अब्बू कह रहे हैं जेब का ख्याल करना, क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो किसी ने मेरी जेब में से ईद मिलते मिलते ईद मना ली थी, मेरा वॉलेट निकाल लिया था। आज मैं लेकर ही नहीं आया वॉलेट। ईद मुबारक गाइस, ईद मुबारक। Hello everyone, it's me Muni Bhad and welcome to my YouTube channel. Scene कुछ ऐसा है कि as usual आदत से मजबूर हम हो गए हैं थोड़ा सा लेट, और अब्बू का इंतज़ार कर रहे हैं। अब्बू भी तशावर लेकर आए नहीं है, और सिर्फ 2-3 मिनट रहते हैं नमाज ख़त्म होने में, और हम लेट हो गए क्योंकि सुबह 6:30 बजे की सबसे पहली जो हमारे एरिया में जमात होती है वो हम अटेंड करते हैं, वो हम उस जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं। सो चले भाई यार, अब्बू का वेट कर, अब्बू का वेट कर रहे हैं। पहली दफ़ा ऐसा होता है, ऐसा हुआ है कि उल्टा हो रहा है कि हम अब्बू का वेट करें, वरना यूजुअली मैं लेट होता हूँ और अब्बू मेरा वेट करता है। अब्बू इस बारी। अच्छा भाई मेरे प्यारे जानवरों, हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ के आके फिर आप लोगों की कुर्बानी इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे। अल्लाह कबूल फरमाए। आखिरी दफ़ा देखो जमात स्टार्ट होने वाली, तो हमें थोड़ा सा जल्दी चलना चाहिए। जी गाइस, तो नमाज पढ़ के हम आ गए हैं घर। तकरीबन 7 बज रहे हैं सुबह के। इलाके की पहली नमाज पढ़ी, घर में सब सो रहे हैं, इमन स्लीपिंग, अमल सब सो रहे हैं। शोर नहीं मचाना, चेंज करने जा रहा हूँ। चेंज करके असल जो कसाई होली है उसमें आने का वक्त हुआ जाता है। चेंज करके अभी आया हूँ तो पता चला कि मेरे आने से पहले ही जो है ना वो तारे हो गया। ये मेरा फेवरेट जानवर था वैसे, मुझे इससे बड़ा प्यार था, बहुत खूबसूरत है। आज हो गया ना हैंड फिर ऐसा वैसा। वो ये है गाइस के जो टीम हमारी कसाईयों की हर साल आती थी वो इस साल जो है वो नहीं आई, और हमने जो है वो एंड टाइम पे जो है वो दूसरे कसाई पकड़े हैं। एंड टाइम पे तो नहीं, कल इनसे डील हो गई थी लेकिन इनको काम नहीं आता, या नाड़ी कसाई। आधे से ज़्यादा गोश्त ख़राब हो चुका है, और नहीं ख़राब तो नहीं हुआ, मतलब सही है, बेहतर है, लेकिन ये है कि वो थोड़े से इशूज़ है, थोड़े से नहीं काफ़ी सारे इशूज़ है। हमने अपने ही जो घर के जो हमारे हेल्पर्स थे और जो हमारे ऑफिस के लड़के थे वो लगाए हुए सारे, ये सारे अपने लड़के लगे हुए, ये हम लोगों से पूछते थे कि हाँ बेटा असल में करते क्या हो। आज हमने अपने ही लड़के बिठा दिए इलेक्ट्रॉनिक LCD के टीवी बनाने वाले बच्चे को बिठा दे। स्टार्ट किधर रह गई थी, सो फाइनली मेरा सबसे फेवरेट टाइम कुर्बानी कर रहे हैं, दुख हो रहा है लेकिन बस अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हाँ क्या बोल रहा है? कुछ कब से मुझे बोल रहा है आपने मेरा नाम ले। नमान हमारा जो है वो आर्टिस्ट है भाई, नमान दिपुचर। हेलो एवरीवन। अच्छा जी, सीन कुछ ऐसा हुआ है कि अनाड़ी कसाई मिलने की वजह से आज हम जो है वो जो हम हर ईद को 1 बजे फ्री होके 2 बजे सो के 5-6 बजे उठ के निकल जाते थे, तो इस दफा हम हाँ इमन को कमेंट्स आते ना कि इमन आप बहुत रूड है, इमन ने अब सोचा कि अब हम से ईद 8 बजे तक गोश्त कटा। सो बस अभी हम जा रहे हैं अपने ससुराल थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर प्रॉब्ली हम जाएंगे मिनाल और एहसन के घर पे। सो स्टे ट्यून, आंखें कैसे हो गई। शो एवरीवन योर मेहंदी। शो मी। नाइस नाइस मेहंदी। बकरा ईद वाले दिन चिकन खाना,
जाती है जुल्म ही, ये नहीं खाई जाएगी। इसमें क्या है? बीफ बिरयानी। जी गाइस, सो फाइनली एमन को ड्रॉप कर दिया है उसकी मम्मा के घर पे, ताकि वो भी थोड़ा जो है वो एंजॉय कर ले। सो अभी मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के पास, और ये काफी सालों के बाद कोई एक ऐसी आई है जब मैं अकेला अपने फ्रेंड्स के पास जा रहा हूँ, वरना हमेशा मेरे साथ एक पैकेज होता था। खैर बहरहाल, सो आई एम गोइंग टू माय फ्रेंड्स आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, एंड लेट्स सी कौन कौन बैठा हुआ है आज। जाने के लिए मैं निकला था घर से, लेकिन जैसे ही मैं एंटर हुआ हूँ डीएच है यहाँ पे, तो ऐसा लग रहा है कि मैं दरिया चिनाब में एंटर हो गया हूँ। इतनी क्रेजी बारिश हो रही है, आज ईद का पहला दिन है, और बेचारे मैं तो उन लोगों के बारे में सोच रहा हूँ कि जिन्होंने अभी आज कल कुर्बानी करनी है, उनका क्या हाल होने वाला है, वो कैसे जानवर ज़िबा करेंगे, क्या करेंगे, वल्लाह आलम। खैर हम लोग तो आज कुर्बानी करके फारिग हो गए। सो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, एंड ये हमारे ज़ियान है जो हंजा वाले ट्रिप से शौहरत की बुलंदियों पर पहुँचने वाले मेरे दोस्त साकिब शेख के बेटे। हाय फॉर ज़ियान। हाँ जी, सो वी आर ऑल सेट टू गो नाउ, और अभी इस वक्त हो रहा है तकरीबन शाम के 5:30, ईद का है दूसरा दिन, और अब हम लोग जो है वो जाने के लिए तैयार हो गए, अब निकल रहे हैं। अच्छा, इस वजह से लेट हो गए हम लोग क्योंकि एक तो बारिशें बहुत ज़्यादा है, और ईद का मज़ा ही जो है वो बारिशों की वजह से खिलखिला हो गया इस वक्त। सो या वी आर गुड टू गो, छू नजर नहीं आ रहे। हाँ जी, कैसी गुजर रही है ईद? बहुत अच्छी, आज बहुत बारिश है। हाँ, बहुत बुरा हाल है कराची का, कराची बह गए हैं, घर है, अल्लाह ताला उनकी आसानी करे और ज़हमत को रहमत बना दे। कराची बह गया है लिटरली यार, उफ, कैसे लोग, क्या मतलब पूरे पाकिस्तान को चला देने वाला हमारा शहर है, पूरे पाकिस्तान को चलाता है, 70% रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं, और वाओ ना, ओह नाइस, जबरदस्त। अमली कौन है? Who's she? A. What's her name? A. What's baby's name, Amal? A. Zimmel. Zimmel? Oh, oh, dress to dikha do yaar. Acha, ye kya? Zaina. Wow, high five. Lao meri idi. Meri idi de. Paris. Paris, aaj udhar aao. Meri baat to koi sunta nahi siwaye Siri ke. Phone wala zindagi. Hey Siri, call Aman. बस वो मेरी सीरी बात सुनती, कोई बात नहीं सुनता। बोरिस पिटे है ना, मानो भाई आप ही बुलाओ, आप ही की सुनेगा, ये तो आपकी भी नहीं सुन रहा। भाई आपका कुत्ता घास खा रहा है। अरे है ये कुत्ता डाइट, इसने बकरों वाली रखी हुई। तुम लोग उसको इतना भूखा रखते हो कि वो घास पे आ गया, किसी दिन ऐसा ना हो कि इसको तुम चलाने टहलाने लेके जाए कि इतना दूर ले जाए कि वो भूख से तो नहीं पड़ जाए। बकरा ईद, ईद उल अज़हा का सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन होती है वो यही होती है कि लवाजमात और खाने बड़े मजे के, लेकिन इसमें से मुझे रिदा तुम्हारा बछड़ा कहीं नजर नहीं आ रहा, ये तो मुझे सामने वालों की मुर्गी नजर आ रही है। इज नॉट एंग्री अमल, बहुत नाइस है ये तो डॉगी, टच कर लो। कुछ नहीं हो रहा, क्या हो गया, रिलैक्स अमल, नो डोंट डू इट। बंदा तैयार होता है ईद वाले दिन, बंदा नहाता है, मुंह हाथ धो के रेडी होता है, तकरीबन 90% तो है ना, तू कसाई लग रहा है कोई, वो नहीं कमेले के जो कसाई होते प्रोफेशनल, हाथ दिखा, कम से कम दिन के 4-5 बछड़े तो गिरा ही लेता होगा। सुना है सुबह तू बाइक पे जा रहा था, किसी ने आवाज देके पूछा यहाँ पे बकरा क्या रेट चला रहे हो? बीफ का कीमा वो भी दम लगा हुआ है। बकरे का सबसे सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट है वो यही है, पकवान, फैमिली टेलीफिल्म भी चल रही है। इमान आपने कोई टेलीफिल्म नहीं देखती यार, मैंने ये बात नोट किया, क्यों हंसते रहेंगे? हाँ भाई मजा आ रहा है ना खाने का, एक तो खाना अच्छा होगा तो भाई की टेलीफिल्म। हेलो गाइस, सो आज है ईद का तीसरा दिन, और अभी मैं सो के उठा हूँ तकरीबन 5:30 बजे, एंड उठा हूँ तो एक बड़ी अच्छी खबर मिली है कि एमन ने जो है वो बीफ का जो कीमा है वो मेरे लिए बनाया हुआ, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। सो लेट्स सी कैसा लग तो बहुत अच्छा रहा है, खुशबू भी बहुत जबरदस्त आ रही है, खा के देखेंगे। खैर
अच्छा हो या I'm sure कि अच्छा ही होगा, अच्छा ना भी हो तब भी आप बुरा ही नहीं कर सकते। बेगम के किसी भी बनाए हुए खाने की हमेशा आपने तारीफ करनी है, ये एक कामयाब शादी के लिए एक मनी पट का मंत्र है। हेलो अबे भाई, क्या दो ईद के तीसरे दिन मिल रहा, 200-300 बकरे काटेंगे तुमने? कहाँ है हसन मिया भाईजान? कोई 200-300 बकरे काटे तो टाइम ही नहीं मिला आपको ईद के दो दिन है? कितने पैसे कमा रहे हैं लोग से बता। मुबारक वेरी प्रिटी, तो नाराज है भाई, कह रही है आप मिले नहीं ना, हमारे घर भी नहीं आए। 300 ऐसी जगह क्यों रहते हैं जहाँ पे इतना पानी भर जाए? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर तो कुछ भी नहीं पानी आया। और अमल जो है वो गाड़ी में बैठी हुई, गाड़ी में बैठी हुई हमारा वेट करी। अमल आर यू एक्साइटेड, आर यू एक्साइटेड? ओ अमल यू आर वेयरिंग स्विमिंग कॉस्ट्यूम, show me your costume. Wow, nice. Big tummy. Baba has small tummy, Amal has big tummy. Hai hai sone pe suhaga barish. Beta kya kitna khaoge hai? कितना खाओगे? आधा कराची तो तुम खा गए हो, सही है ना? आधा रह गया वो छोड़ दो वरना हम कहाँ रहेंगे। After like 9 to 10 days, ईद का ऑफिशियली खत्म हुआ जाता है। ईद खत्म हुई है क्योंकि बारबेक्यू पार्टी ही हमने आज की, थोड़ा सा लेट हो गए एंड फाइनली ईद खत्म होती है। तो अब अगली जो मेरी शूट स्टार्ट होनी है वो 10 दिन बाकी है उसके अंदर, तो इन 10 दिनों में मैंने खूब डाइट करनी है बिकॉज बहुत सारा जो गोश्त है वो मेरे जिस्म में और फेस पे खास तौर पर जो है वो मैंने पहले बहुत ज़्यादा गेन कर लिया है, सो आई नीड टू कट। एंड इन अगले 10 दिनों में मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिसके जो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा यूट्यूब के ऊपर, जो मैं अपनी डाइट डिशेस बना रही किस तरह अपना वेट कंट्रोल करता हूँ, वेट जल्द अज जल्द लूज करता हूँ। तो स्टे ट्यून, बहुत मजे मजे की डिशेस बनने वाली हैं नेक्स्ट 10 डेज में, आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल।